अरे ये चुम्मी होगी? नहीं चुम्मी तो नहीं हुई लेकिन होगी, होने के पूरे लग सकती है। हाँ नहीं नहीं निकालो निकालो निकालो, इधर से हो गई। तो जी फिलहाल हम कर रहे थे वीडियो एडिट और हमारी किस्मत इतनी जबर है ना कि 9 बजे ताबड़तोड़ बारिश हो रही है बाहर, ताबड़तोड़ बारिश। चल स्कूबी बालकनी में घूम के आते हैं, चल 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 चल। पहले से ही बताया तेरे को। ओ भाई साहब ताबड़तोड़ बारिश हो रही है, ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। दो दिन से बारिश हुई नहीं थी और आज देखो क्या मौसम है यार। ओ भैया हिमाचल कैसे पहुंच पाएंगे अपन, इसमें गाड़ी निकालना डेंजरस है। तो जिम ने खाना मंगाया था और बारिश इतनी हो रही है ना कि मुझे लगा, अरे यार तेरे को जा जा पिक कर ले, जा नहीं जा ना बॉल लेके जा। थैंक यू भैया। प्रॉब्लम ये है कि हमारी पैकिंग अभी तक चल रही है और हमने अपने कपड़े छाता वाता सब निकाल लिया है। ज्यादा ऑर्डर कर दिया क्या? ऐसा लग रहा है कि दादा चल मन कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। अब इतने लंबे टाइम सिस्टम पे काम करते करते ना, पहले ऑफिस फिर घर पे, तो पूरे टाइम आपकी आंखें ना सिस्टम के आगे एक्सपोज रहती हैं और इसी वजह से ना डार्क सर्कल्स, प्रॉपर स्लीप कंप्लीट नहीं हो, सिस्टम पे आंखें बहुत देर तक, आपकी आंखों में दर्द होने लगता है एंड अल्टीमेटली डार्क सर्कल एंड पफी आईज हो जाता है। सो आई एम यूजिंग दिस विटामिन सी अंडर आई क्रीम टू फाइट माई डार्क सर्कल्स which has also got a electric massager. अब आप सोचोगे क्रीम में मसाजर कैसा? So this has actually got a electric massager here. आप ये बटन ऑन करते हो ना तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है which actually helps massaging your under eye. इसके चार प्राइम इंग्रेडिएंट्स है, vitamin C, गोटू कोला, नायसिनमाइड एंड हाइलोनिक एसिड। सो विटामिन सी एक्चुअली आपके स्किन को ब्राइट करने में, प्लस जो रेडिकल डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है, प्लस इट ऑल्सो इनकरेजेस इन रीजेनरेटिंग न्यू स्किन सेल्स। गोटू कोला एक्चुअली मॉइस्चराइजेज स्किन, प्लस नायसिनमाइड प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन डैमेज। मामा अर्थ के हर प्रोडक्ट की तरह इसमें भी कोई हार्मफुल केमिकल्स, पैराबीन, सिलिकन्स या कोई एडिड कलर्स नहीं है, प्लस ये हर स्किन टाइप को सूट करता है। एंड नॉट जस्ट द गुडनेस इन द प्रोडक्ट, मामा अर्थ के प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव के बारे में मैंने आपको बहुत ज्यादा बताया, जहाँ की मामा अर्थ के ऐप या वेबसाइट से जाके आप कुछ भी परचेज करते हो दे एक्चुअली लिंक योर ऑर्डर विद वन ऑफ द ट्री एंड बाई ईयर 2025 दे आर प्लानिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज। मामा अर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड वेर इन दे रिसाइकल मोर देन वॉट दे कंज्यूम। हर मंथ 120 मेट्रिक टन प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं, जहाँ की 1 मेट्रिक टन इज इक्विवेलेंट टू 1000 केजीज। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको Amazon, Nykaa, Flipkart हर जगह मिल जाएंगे, बट अगर आप मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से जाके परचेज करते हो और मेरा कूपन कोड Vikash2021 यूज करते हो, यू गेट एडिशनल 20% ऑफ। सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एडिटिंग कंप्लीट करते हैं, पैकिंग कंटिन्यू करते हैं और निकलते हैं हिमाचल को। सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2:40 और अपन सेट है। तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज अपन निकल रहे हैं अपने हिमाचल ट्रिप के लिए, जिसमें करेंगे हम रूफ टॉप कैंपिंग। बात हुई थी कि 4 बजे तक हम निकल जाएंगे, 5 बजे तक मूर्तल पहुंच जाएंगे, तो अब तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि 5। अरे भाई साहब मनी तेरे। सो जी मामला कुछ ऐसा है कि मनी भाई अभी नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई स्नान ज़रूरी है। मैंने कहा जल्दी कर लेते, कह रहे नहीं ट्रिप से पहले स्नान ज़रूरी है। और हमें पहुंचना था 5 बजे मूर्थल, क्योंकि वहां पे हैरियर हमें ज्वाइन करेगी। हैरियर में मनोज भाई और सुलश भाई है, तभी इस बार अपन वॉकी टॉकी लेके चल रहे हैं। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, ये व्लॉग तो ट्रिप के आने के बाद शायद आ रहा होगा, क्योंकि ट्रिप के टाइम पे अभी आप देखोगे कि हमें एडिटिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इतने बिजी होंगे, इतने ज़्यादा बिजी होंगे कि भाई हम एडिट नहीं कर पाएंगे। हाँ। हरिओम भाई, अरे ये क्या सरप्राइज है भाई, कैसे करेगा अरे गजब, मतलब ये क्या सरप्राइज। चलो 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 चलो,
चलो 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 पीछे। और फिर आते हैं तो जल्दी से ट्रिप प्लान करते हैं। मैं तो आपके ना ऐसे इतनी हाइट इतनी ज्यादा है ना, एक बराबर कर लेंगे, नीचे से बराबर करना, ऐसे करना पड़ेगा। हेलो श्री अम्बे मात की। तो अपने को यहाँ से मूर्थल पहुँचने में लगेगा 1.5 घंटे। सुबह पहुंचना था 5 बजे, बट 4:20 पे हम निकल रहे हैं यहाँ से, 1.5 घंटे लगेंगे, तो 6 बजे तक हम वहाँ पे पहुंचेंगे। देखो कैसे चल रहे यार, कोई मतलब नहीं है, मतलब इसने राइट लेफ्ट कहीं नहीं देखा। गाड़ी अपना सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, गाड़ी चालक खुद ध्यान दे। हाईवे पे ब्लॉकेज की वजह से हमें डाइवर्जन लेना पड़ा, अब हम गांव के अंदर से जा रहे हैं। यहाँ पे लास्ट टाइम भी फंसे थे, काफ़ी टाइम लग गया था। आई होप अभी ज़्यादा ट्रक का ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि ट्रक से प्रॉब्लम है, गाड़ियों से प्रॉब्लम नहीं है, और रोड भी थोड़ी से उबड़ खाबड़ है। भैया बढ़ाओ बढ़ाओ, ए भैया आगे जाने का भैया, यहाँ पे बस आगे वाले ट्रक के पीछे आप फर्स्ट गियर पे लगा के छोड़ दो। और गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं, बड़े गड्ढे भाई, बड़े गड्ढे, तो बहुत ज़्यादा चिपका के भी नहीं चला सकते, अदरवाइज रोड का ही पता नहीं चल रहा। बारिश ऊपर से और माशाल्लाह पानी भरा हुआ, पता ही नहीं है ना कि नीचे गड्ढा कितना है, कहाँ पे, अरे यहाँ पे गड्ढा है। बाबा इसमें सो जाओगे तुम इतने हिलडुल में? लद्दाख में सो गए तो यहाँ क्या है, जांस्कर में। ये तो बहुत अच्छा रोड है। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। इतने बड़े गड्ढे, इतने बड़े, और पता ही नहीं चल रहा है, सब में पानी भरा हुआ है। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि गाड़ी बंद हो गई। मनी भाई सोने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी हमारा जो मूर्थल का डिस्टेंस है करीबन 20-25 मिनट लगने हैं। हम पहुंच गए पहलवान ढाबा, और वो रही सामने अपनी हैरियर। अब यहाँ से निकले कैसे ना, ये एक चैलेंज है। तो अभी यहाँ से निकल के अंदर जाते हैं, चाय पीते हैं। मनी भाई, मनी भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ उठो, अरे तुम तो गजब, अरे उठो बे, तुम तो उठ ही नहीं रहे हो। चलो आओ उठो, देखो कितना अच्छा मौसम है। बारिश हो रही है। हाँ बारिश तो हो रहा है, तो बारिश में ही तो एंजॉय करना है। ये तो उठ ही नहीं रहा है, कह रहा है कि जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो मस्त नींद आ रही है। ये पीछे चाय यहीं अंदर ला दे। नहीं नहीं अंदर चलेंगे, उठो भैया, मनी भैया। और यहाँ पे रेड बुल और चाय का क्या कॉम्बिनेशन है पता नहीं भाई, साथ साथ चलेंगी दोनों यार, तो चलेंगी दोनों। तो अब यहाँ से जो अपना डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर। टायर भी चेंज हो गया, आपने देखा होगा, तो टायर भी इन्होंने चेंज करा लिया, हाईवे टेरेन टायर है, लेकिन नए टायर से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अपन बैठते हैं जी अभी गाड़ी में, तुम तो पीछे चले जाओ ना। अच्छा आगे से जाओगे? काफी गड्ढा है यहाँ पे, बहुत गड्ढा है, बहुत ज्यादा है, आगे कराते हैं, एकदम लबालब ऊपर तक। यही पंगा होता है बारिश से वाटर लॉगिंग, और वाटर लॉगिंग से ट्रैफिक पूरा स्लो हो जाता है। ये कितना लंबा जाम है सर? जी मैंने लगा लिया गाड़ी आपके एग्जैक्टली पीछे। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली एक आगे एक्सीडेंट हुआ है ऐसा जीपीएस बता रही है, और काफी काफी लंबा जाम है यार, अभी भी इस पे 28 मिनट दिखा रहा है। मनी भाई तुम सही फंसाए हो गुरु, सही फंसाए हो, मस्त चौचक तरीके से सो रहे हो, और यहाँ गाड़ी चलाते चलाते मेरे घुटने खुल गए। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग गए, 45 मिनट से कम नहीं लगे होंगे, सिर्फ बॉटल नेक की वजह से जाम था। ओ भाई साहब, एक साइड पानी भरा हुआ, एक एक करके गाड़ियाँ निकल रही थी, पूरा का पूरा हाईवे 3-4 किलोमीटर जाम। और मंजिलों की न है
और जैम। मनी भाई तो उठे नहीं है, अगर मनी भाई उठते तो मनी भाई को बोलते ये भैया घुटनों में या तो मूव दे दो या तो गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ लो। मंजिलों की ना है कोई खबर। तो यहाँ पे रुके थे एक पी ब्रेक के लिए और दोनों गाड़ियाँ खतरनाक ही लग रही है यार। फिलहाल बारिश बंद हो गई है। मनोज भाई को मैंने कहा थोड़ी गाड़ी आगे करे ताकि एक फोर गैप खींचे। इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो फॉलो कर लो, यहाँ पे बहुत शोर है। अब लग रही है गुरु खतरनाक। तुम तो पूरे जैम जो सोए हो ना, तुमको पता है कितने देर का जैम था? एक से डेढ़ घंटे का जैम, मतलब एक बार 45 मिनट्स, उसके बाद भी जैम। अच्छा लग रहा है सोके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, तोड़ मजा। तो मुंबई में चलाओगे गाड़ी? अभी मुंबई जाना है भाई, मुंबई जाना ना, मुंबई में फाउंटेन पे तुम चलाओगे गाड़ी? अच्छा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, मतलब 100-120 दोनों गाड़ियां 100-120 से आजू बाजू ऊपर नीचे, मतलब आगे पीछे चल रहे। तो अब मनोज, अरे मनोज भाई आप भी ना मजे ले रहे हो मेरे से। अरे सर ओके ओके। मनोज भाई आज का क्या प्लान है? मौसम तो अच्छा हो गया है, अब तो धूप भी आ गई। हाँ अब देखो मौसम हो गया बेहतरीन। अब जो पहले जो हमारे को लग रहा था कि हम शायद बियर नहीं पियेंगे, तो बियर भी पियेंगे। इस बार वो जेम्सन नहीं है। अच्छा इस बार शायद कुछ लेवल लेवल है। अच्छा लेवल भाई, हैरियर चला गया मेरे को, सीरियसली मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। खतरनाक बोनट से जो व्यू है ना, एक्चुअली एक्सयूवी में ना थोड़ा सा मेरे को ऊपर उठना पड़ता है, बट यहाँ पे जो खतरनाक व्यू है ना, एकदम कमांडिंग पोजीशन प्लस द स्टीयरिंग का फील यार। तो यहाँ से लुधियाना सीधा चला जाता है और अपन मुड़ गए हैं टुवर्ड्स शिमला। बेसिकली ये चंडीगढ़ के रास्ते में हम आ गए और हम अभी 30 किलोमीटर्स तक इसी रास्ते में चलेंगे एंड देन फिर आगे लेफ्ट। ये आप एंड्रॉइड ऑटो यूज कर रहे हो एप्पल कार? बड़े गाड़ी वाले लोग। बड़े गाड़ी छोटा फोन। वापस से बारिश ताबड़तोड़ स्टार्ट हुई है ना, ताबड़तोड़ बारिश भाई साहब, एकदम धुंधला हो गया ना सामने, तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। मजा आ रहा है भाई, जबरदस्त मजा आ रहा है। बस ये पहाड़ों पे ना हो, मतलब इस बार हम सीरियसली चाहते हैं कि पहाड़ों पे ना बारिश ना हो, अदरवाइज रूफटॉप क्या करेंगे भाई हम? या फिर गाड़ी के अंदर सोएंगे और बियर कैंसिल करेंगे। अब बारिश प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि बारिश के बाद होने वाली लैंडस्लाइड। तो अब भगवान का नाम लेके चलना है। जय श्री राम। क्योंकि मेरे ख्याल से 25-30 किलोमीटर के बाद अब पहाड़ शुरू, पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। कमेन अल्फा कमेन। हाँ तो आगे ये फ्लाई ओवर आ रही है, तो इस पे हम ऊपर चढ़ेंगे, नीचे से राइट टर्न नहीं लेंगे। तुम्हारे को जीपीएस में राइट टर्न दिख रहा होगा, तो आगे से हम यू टर्न मार के आएंगे क्योंकि नीचे जाम रहता काफी। ठीक है, ओवर एंड आउट। कॉपी कॉपी अंडरस्टूड। ओके समझदार हो गए हो सुबेदार सुरक सिंह। तो अब जी ड्राइवर का हुआ आदान प्रदान, अब मनोज भाई गाड़ी चलाएंगे। और अरे आप तो पूरा लेट के, तभी मैं कहूँ इतने आराम में कैसे हो आप? ये चुम्मी होगी? नहीं चुम्मी तो नहीं हुई, लेकिन होगी, होने के पूरे हो सकती है। निकालो। इधर से हो गई। अपनी किस्मत इतनी खराब है ना, इतनी खराब। यहाँ भी ऑलमोस्ट 20-25 मिनट से तो हम हैं, और अभी कम से कम 10-15 मिनट से ज्यादा लगना है भाई साहब, सीरियसली। बट लकीली वेदर अच्छा है तो ठीक है, अच्छी फीलिंग आ रही है। हाँ। और एक तो जा रहे हैं ना, थोड़ा एक्साइटमेंट और बढ़ी। हाँ। है यही तो घर आते वक्त अगर हो जाए ना, तो फिर उसको बोलते कि हमारी किस्मत गधे के मतलब पूंछ से बनी है। पूंछ से बनी। आई एम नारियल पानी वाला, गरम कुर्रम। आई एम नारियल पानी, पियोगे ना? हाँ हाँ नारियल पानी सही। तो भाई यहाँ पे नारियल पानी के लिए रुक गए थे, और हाईवे है तो बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, बट क्योंकि अपन सुबह से ज़्यादा कुछ खा ही नहीं थे तो भूख लग गई थी। सो आ गए वापस से एक्सीवी में, नारियल पानी पी के अच्छा लगा यार, मतलब सीरियसली। और अभी कुछ लोग भी मिले थे, वो कसौली जा रहे थे, तो अपन सोलन के पास से कहीं पर कटेंगे। सुलझ भाई का ही कैंप साइट है नोमैड्स एडवेंचर कैंप करके, तो सुलश भाई की जितनी भी डिटेल्स है ना इस रूफटॉप कैंप के बारे में, उनके कैंप साइट, वो सारा नंबर और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उनका
इंस्टाग्राम अकाउंट और बाकी सारी चीजें आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो उनको। अभी फिलहाल तो वो लोग आ गए हैं और मनुज भाई गाड़ी चला रहे हैं। मतलब मनुज भाई के साथ बैठना ना, आप कोई बोर हो ही नहीं सकता भाई, जबरदस्त है, इंटरटेनमेंट है भाई, पूरा इंटरटेन। मनुज भाई की वाइफ का फोन है, कह रहे ये क्यों डसने चाहती है। सो जी अपन रुके हुए धर्मपुर में और यहाँ पे कुछ खाने के लिए, एक्चुअली सामने मैकडॉनल्ड्स है तो अपन वॉशरूम यूज़ करने के लिए यहाँ पे चले गए थे। अब रास्ते में ना यही एक मैकडॉनल्ड्स आता है और बहुत टाइम से वेट कर रहे थे क्योंकि जीरकपुर से पहले भी एक मैकडॉनल्ड्स था जो हमने मिस कर दिया था, तो अब सोचा यहीं पे खा लेते हैं, उसके बाद तो फिर बर्गर मिलेगा नहीं, उसके बाद तो फिर अपना देसी वाला खाना ही चलेगा। सो जी टाइम हो रहा है एक और यहाँ से हमने लंच करके, लंच ही था अपना। तो लंच करके अपन अलग प्यार चल रहा है। ओह वाओ, सो नाइस। इसको बोलते हैं सच्चा प्यार, और यही प्यार है पूरी दुनिया। अरे हाथ मत दिखा रहा, इसको बोलते हैं सच्चा प्यार। और मैं नहीं दिखाऊंगा, कैमरा उधर पलटूंगा नहीं। सो एक कपल हग कर रहा था तो हम इस वीडियो का, मैं ये प्यार दुनिया को देना चाहता हूं। तो अब इस वीडियो को यहीं पे करते खत्म क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा बना होगा। अभी भी अपना जो यहाँ से डेस्टिनेशन है, सुलेश भाई कितने टाइम, कितना टाइम लगेगा? और डेढ़ घंटा और। सो डेढ़ घंटा और लगेगा और डेढ़ घंटा मस्त पहाड़ों वाले, मस्त मस्त, मतलब वेदर तो आज इतना खतरनाक था ना यार, बट ये था कि पहाड़ों पे आने के बाद बारिश नहीं हो रही, ये बहुत सही चीज है, परफेक्ट है। तो इस वीडियो को करते खत्म, सुलेश भाई की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो चेक इट आउट। अभी निकलते हैं कहा, सोलन में कहा पे, नोमैड कैंप एंड कैफे, अश्वनी घाट बोलते हैं उसे, अश्वनी घाट। चलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस। अरे तू पहले हॉर्न बजा ले चाचा। जाने तो पहले।